हेलो फ्रेंड्स, हाय वेलकम। देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की राइट नाउ आप लोगों के लिए क्या है। कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे उस वक्त की एनर्जीज हैं। एम्परर, नाइट ऑफ वैंस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो फ्रेंड्स, अगर राइट नाउ आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई हुई है, ठीक है, तो इस वक्त आपके पार्टनर आके आपको मनाना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर इनके वर्क प्लेस पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में कुछ रूमर्स फैला रहे थे। अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हो या फिर आपका कुछ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है कि आप लोगों का एक दूसरे के घर में आना जाना है, तो आसपास के लोग आप लोगों के लिए कोई बातें कर रहे थे तो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप लोगों के बीच में, तो वो उस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। ओके, 333 यहाँ पे 333 की एनर्जी है, ठीक है। और आप लोग का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। डिवाइन आप लोगों को इस कनेक्शन में सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके हर्ट चक्रा की हीलिंग के लिए ये सारे ट्रिगर्स ज़रूरी हैं, ठीक है। आपको सोल लेवल पे ये कनेक्शन कुछ समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, पेशेंस सिखाना चाहता है, ठीक है। डेविल, जस्टिस एंड बॉटम पे है टू ऑफ वैंड एंड रिवर्स। एक्चुअली जो आपके जो पार्टनर है ना, वो अब वेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअली आपकी तरफ उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन हैं वो इंटीमेट होना चाहते हैं, और लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता है तो आपने बाउंड्रीज क्रिएट करी है कि नहीं। अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलेगा तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, जिसके चक्कर में उनको हर्ट फील हो रहा है और कैसे ना कैसे आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर उनका बिहेवियर वही है, नॉन कमिटेड है। अभी वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, वो बस आपके साथ लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए आपने भी उनको उस इमोशंस उस तरह के देने बंद कर दिए, और आपने उनको क्लियरली कह दिया कि अब मुझे सिर्फ मज़े नहीं करने, मुझे कमिटमेंट चाहिए। अगर देते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ। एंड अगर ऐसे सिचुएशन है तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। इवन उनके पास और भी चॉइसेस है लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रहे, उनका ध्यान आपकी तरफ है कि आपको कैसे मनाया जाए, और उनसे इंतजार नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या है इनका आपकी तरफ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, देखिए, और बॉटम पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनका नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं कहूँ तो ये घूम फिर के आपके पास आएंगे, ठीक है। एंड इनको जब कहीं और से वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश भी करेंगे, आपको ईगो दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा शो करने की कोशिश करेंगे कि आई एम स्ट्रांग, मैं कोई मरा नहीं जा रहा है, मरी नहीं जा रही आपके लिए, तो ऐसा ये बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अंदर ही अंदर अपने आप को अकेलापन इनको महसूस होने वाला है बहुत ज़्यादा, एंड ये घूम फिर के आपकी तरफ आएंगे। ओ माय गॉड, ये दो कार्ड्स आ गए हैं तो इसके नीचे जजमेंट भी आया है। ओके, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन की प्लानिंग है यहाँ पे, ठीक है। और इस पर्सन की यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी होनी है, और ये इनकी सोल की कॉलिंग के लिए, मतलब एक इनर कॉलिंग है ये कनेक्शन, इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है, इसलिए इनको ये ट्रिगर मिल रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये गाइडेंस दूँ तो कि अगर ये आपके पास आके आपके साथ इंटीमेट होना चाहे तो आप बिल्कुल नो कर दीजिएगा,
स्पेशली वो लोग जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बिकॉज ये ट्रिगर इनको मजबूर करेगा ताकि इनकी अवेकनिंग होए, ठीक है, कर्मा के साइकिल से बाहर आए और अपनी सेल्फ सोल सर्चिंग पे लगे, ठीक है, दूसरों को गाइडेंस देने के बजाय अपने आप पे सेल्फ पे वर्क करने चालू करेंगे, स्टार्ट करें, क्योंकि ये घूम फिर के आपके पास ही आएंगे गाइडेंस लेने कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है। तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखना, आपने इनको ब्लॉक नहीं करना। अगर ये आपके से एक जेन्युइन तरीके से गाइडेंस लेने आते हैं तो इनको गाइडेंस दीजिए। काफ़ी मतलब यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी डीएम्स की यहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है और उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जो सिर्फ आपसे ही डिस्कस करेंगे, वो ढूंढते ढूंढते आपकी तरफ ही आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए इस कनेक्शन के लिए। डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं। आपको क्या करना है देख लेते हैं। चॉइसेस, क्लैरिटी एंड है सेल्फ वर्थ। जैसे कि मैंने आपको बोला है, आपने आपके पास चॉइस है कि आपने इस पर्सन को अपनी तरफ से वो चीज़ देनी है या नहीं देनी, अपनी एनर्जी उनको देनी है या नहीं देनी, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन कहना चाहते हैं वही चीज़ करना जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड आपको डिवाइन क्लैरिटी भी देंगे इस कनेक्शन में आगे आगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहने लग पड़े या डाउट आपको आने लगा है अपनी जर्नी पे, तो आपको यूनिवर्स जो है आपको क्लैरिटी देंगे। आपको थोड़ा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है उन पे, ठीक है। और आपको यूनिवर्स कह रहे थे कि अभी सिर्फ सेल्फ वर्थ की आपको सोचनी है, ठीक है, अपने लिए सोचना है, अपने ऊपर वर्क करने का सोचना है। अपने पार्टनर को सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, वो खुद ही आपके पास घूम के आ जाएंगे। उनको चेज मत कीजिए, ना ही उनको ब्लॉक कीजिए। एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखिए और अपने सेल्फ वर्थ और रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले रखिए, बाकी चीज़ें बाद में। तो ये है आज की गाइडेंस। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।